दोस्तों इंडियन रेलवे ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है कवच। ये सिस्टम किस तरह से काम करता है और इस चीज के क्या क्या फायदे इस बारे में आज हम जानेंगे। बेसिकली कवच एक एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क है जो इंडियन रेलवे और रेलवे द्वारा होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करने की कोशिश में बनाया गया है। कवच को रेडियो कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर और जीपीएस के बेस पर बनाया गया है। अगर स्पेसिफिक डिस्टेंस पे दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर एक ही ट्रैक पे बढ़ रही है तो कवच सिस्टम जीपीएस की मदद से ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है जिससे कोलिजन होने का खतरा 0% हो जाता है। आपको रेलवे सिग्नल के बारे में पता तो होगा ही, अगर पहला सिग्नल येलो है तो उससे आगे आने वाला सिग्नल रेडी होगा। अगर किसी लोको पायलट ने गलती कर दी और ट्रेन को धीमा नहीं किया तो ये सिस्टम लोको पायलट को 3 बार अलार्म बजा के वार्न करेगा। अगर फिर भी लोको पायलट ने ट्रेन को धीमा नहीं किया तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग चालू कर देगा। अगर ट्रेन की जर्नी में लोको पायलट ने स्पीड लिमिट से ऊपर ट्रेन को भगाया तो फिर भी ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग चालू कर देगा। हालांकि ये गलतियां लोको पायलट से नहीं होती लेकिन इसे ट्रेन हाईजैकिंग को रोकने के लिए बनाया गया। अगर ट्रेन के रूट के बीच में फाटक आने वाला है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली हॉर्न बजाना चालू करता है। इस सिस्टम को भारतीय इंजीनियर्स ने भारत में ही बनाया है और इसे सिलपोर का सर्टिफिकेशन मिला है जो सेफ्टी के तौर पर सबसे ऊपर है। इंडियन गवर्नमेंट 2000 किलोमीटर के रेंज में फर्स्ट टाइम यूज करेगी और अगले 5-6 सालों में एक्सपोर्ट भी करेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।